अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नताशा तौहीद मस्ती चैनल। मैं हूँ नताशा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी मैक्रोनी। मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाई थी तो बहुत गंदी बनी थी, बट जब सेकेंड टाइम बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी, और उसके बाद भी मैंने एक दो दफ़ा बनाई। आज मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि मैं मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ। चलें देखते हैं। ये पानी लिया है और यहाँ पर मेरी मैक्रोनी, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। सारी मैक्रोनी डाल दी है, अब इसको अब इसमें मैं डालूँगी नमक और तेल। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और फिर थोड़ा सा और नमक, और अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। और अब चम्मच चला दूंगी। और बस हम इसके बॉईल होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। हमारी मैक्रोनी बॉईल हो रही है, मैंने यहाँ पे आलू काट लिए छोटे छोटे, और अब प्याज भी काटूंगी। मैंने यहाँ पे प्याज भी काट लिया है और आलू भी काट लिए हैं। यहाँ पर हमारी मैक्रोनी जो है वो बॉईल हो गई है बिल्कुल। अब हम मसाला बनाएंगे। और अब मैंने अपनी पतीली में जो है वो तेल डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये देखें, इसमें प्याज डाल दिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने का ट्राई करेंगे, जो भी करेंगे कर लेते हैं, मिलते हैं। और साथ साथ सूजी का ये टुकड़ी वाला हलवा सिखाएंगे जो नानी ने बनाया। देखिए हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन हो रही है ये साइडों में से। तो अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 1 कप पानी डालूंगी अभी मैं। मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, अब थोड़ा सा और डाल दूंगी, आधा कप से भी कम। और अब इसमें मसाला डालूंगी जो हमें मैक्रोनी के साथ मिला था। चलिए डालती हूँ फिर। ये रहा हमारा मसाला, इसको डाल देती हूँ। और अब इसमें ढक्कन लगा के 10 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू गल जाए। घर जो है वो लाइट चली गई है, और यहाँ पर हमारे आलू गल गए। अब इसमें अपनी मैक्रोनी ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी हुई है। ये रही हमारी मैक्रोनी, और इसको इसमें ऐड करेंगे हम आराम से। और अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए भाई, मैंने मिक्स कर दिया। अब अगर आप इसमें चाहें तो चिली सॉस, सोया सॉस वगैरह ऐड करें, वरना इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड करूँगी तो चलें कर देते हैं। ये रही सोया सॉस, इसको डालेंगे हम। इसका जो कैप है ना, बस इससे मैं 1 कैप डाल दूँगी। ये चिली सॉस, और अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट हो तो वो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, वरना ना करें। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए भाई, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगी क्योंकि इस पर वैसे ही बहुत मिर्ची है। तो बस अब इसको सर्व करें, खाएं, मैं भी खाऊंगी। अब मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी मेरी मैक्रोनी, अब मैं इसको टेस्ट करूँगी और आपको भी दिखाती हूँ। मैं टेस्ट करती हूँ अपनी मैक्रोनी और आपको भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े की। अब मुझे मैक्रोनी वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये मैंने खुद बनाई है बिना मम्मा की हेल्प के। मम्मा से भी सीखी थी, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।